हेलो फ्रेंड्स, मी सोम एंड यू आर वाचिंग द सोम 007 ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हो रहा है रात का 10:30 और मेरे संग रिया और हम लोग निकले अभी मेला के लिए। एक्चुअली हम लोग के यहाँ काफ़ी धूमधाम से बड़ा करके काली पूजा होता है हर साल, तो फिलहाल इस साल भी हम लोग काली पूजा में आए और मेरा थोड़ा लेट भी हो गया था, तो फिलहाल मैं अभी घर आया हूँ। तो रिया बोली मुझे मेला जाना है, तो अभी लगभग 10:40 हो गया है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं मेला। रिया को मेला घुमा देते हैं, घूमना है तो, और आप लोग को भी दिखा देते हैं हम लोग के यहाँ काली पूजा और मेला। तो संग में बने रहिएगा चैनल के साथ और देखते रहिए, लेट्स गो। सो फिलहाल हम लोग मेला की तरफ जा रहे हैं, पहले चलते हैं। रिया चलो पहले दर्शन कर लेते हैं माता का, ठीक है ना? पहले काली माता का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मेला घूमेंगे, आ जाओ। देखिए काफ़ी भीड़ है सामने, थोड़ा आराम से। रिया हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। शाम का टाइम तो और काफ़ी भीड़ था अभी जितना, एक्चुअली रात को भी बहुत सारे आते हैं दर्शनार्थी यहाँ पर मेला में, माता का पूजा में। हम लोग तो लेट कर गए, लेकिन लेट अभी 11 बजने जा रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ देखिए, भीड़ थोड़ा सा भी नहीं कम है। और एक बाप रे, ये क्या फेंक रही है, बतासे फेंक रही है, बतासे। माता प्रसाद भैया कैच करो, रिया भी बता सक कैच करने में लगी हुए। ये देखिए सीधा मुझ पे अटक रहा है बतासे से, पेट में मुंह में आ सर पे लग रहा है बतासे। ये देखिए बतासे फेंक रहे हैं, पेट में सर पे लगा। आगे चलते हैं, सर पे आके लगा काफी जोर से, टांग खटांग से, अब यहाँ से भागो चलो। बतासे कलेक्ट की रिया, तीन बतासे कैच किए रिया, शाबाश। तो फिलहाल रिया चलो, अब सर पे लग रहा है टूक टांग खटांग लग रहा है, तुमको चोट लगा रिया? चोट लग गया, चलो 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 सब जल्दी चलो भागो, चलो उस तरफ जाते हैं। भी जो लोग मेरे फ्रेंड पूजा में है, शिवली पूजा मनाई है, देखिए माता का दर्शन कर लीजिए। देखिए दिखाया गया, फिर से बता से चोट लग गया रिया को। चलो चलो मेला घूमते, चलो माता का दर्शन हो गया ना, दर्शन हुआ, चलो ठीक है, चलो मिलते बाद में। ये देखो रिया, कितने सारे बलून, यहाँ देखो बलून, यहाँ देखो ये सब बलून का डॉल जैसा बना हुआ है, क्या लेना है? क्या बलून है? तो चलो अच्छा बात है, पैसा बच गया मेरा। रिया बोल रहे हैं घर में बलून है, तो फिलहाल मेरा पैसा बच गया। यहाँ पर रिया क्या हो रहा है देखो तो, यहाँ क्या टैटू बना रहा है, मुझको टैटू बनाना है, मुझे नहीं, मुझे टैटू नहीं बनाना है, डर लगता है। ये देखो कैसे टैटू बनता है, चलो भैया आगे चलो और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है? मेहंदी बना रहा है, देखो डिजाइनिंग मेहंदी। ये पहले हम लोग बहुत मेहंदी से बनाते थे हाथ में टैटू डिजाइन, तुमको बनाना है? आ रही है? नहीं, चलो अच्छा बात है। चलो इतना टैटू इधर उधर दोनों साइड, बस टैटू वाले रहे। क्या शाम से मेले में आने के बोले थे, लेकिन मैं थोड़ा बाहर गया था, बोलकर लेट हो गया, तो रात हो गया, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके जल्दी से यहाँ मेला घूम के फिर घर चलेंगे और आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देते हैं फटाफट। ये कौन है, ये कौन है? आंटी रिया, कोई आंटी मिल गई है।
रिया को फिलहाल एक आंटी मिल गई है, तो रिया आ गई। कौन थी रिया? आंटी थी। ओ पर्स लेना है रिया? कौन सा? अरे बाप रे, ये कौन सा पर्स है? ये तो लग रहा है छोला है। ऐसा वाला पर्स है ना तुम्हारे पास शायद? नहीं खरीदना है पक्का? फ्रेंड्स फिलहाल रिया को पर्स नहीं लेना है। चलिए मेरा तो बच रहा, आप समझ रहे ना, मेरा सेविंग्स हो रहा है फिलहाल। अभी भी कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है मेला में। मेरा 15 मिनट हो गया, तो फिलहाल देखता हूँ आगे ऐसे ही चले तो ठीक है। हाँ कौन सा? अरे बाप रे, ये कौन सा पर्स है? देखो तो लग रहा है छोला है। डॉल रिया पसंद आया, देख रही है। ऐसा वाला पर्स है ना तुम्हारे पास? है ना? नहीं खरीदना है पक्का? रिया फिलहाल ये क्या लिए? बिच्छू। इसको इंग्लिश में क्या बोलते पहले बताओ, उसके बाद लेंगे। भूल गए ना? स्कॉर्पियोन। स्कॉर्पियोन तो ये क्या करोगी लेके? किसको डराना है? देखिए अभी फिलहाल बिच्छू लेके घर में सबको डर दिखाने वाली है। ये क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ है, और भी सब लिजर्ड स्पाइडर कुछ ऐसे बना हुआ है। फिलहाल रिया लेने वाली है घर में डर दिखाने के लिए। ठीक है तो ले लेते हैं। कितना प्राइस बोल रहा है? कितना दे? 10 रुपया। ठीक है दे दो अंकल को। हेलो, फिलहाल रिया बिच्छू ली है और घर में डर दिखाने वाली है। चलो ठीक से रखो, काटेगा नहीं ना रिया? ये काटेगा नहीं ना? ठीक है चलो। फ्रेंड्स पता नहीं, मैं कुछ बोला नहीं हूँ। रिया खुद अपन बोल रहे कि हाँ गुपचुप नहीं खाऊंगी। जो गुपचुप पसंद करते हो बोले नहीं खाएगी, आइसक्रीम पसंद है नहीं खाएगी। नहीं एक्चुअली रिया का थोड़ा तबीयत भी सही नहीं था, हल्का बुखार था दोपहर को, तो इसलिए मम्मी मना की है, मतलब रिया का नानी मना की है कि अभी खट्टा नहीं खाना और आइसक्रीम नहीं खाना इसलिए। और ये देखो और भी सब खिलौना है रिया, पहले बचपन में खिलौना उठा लेती थी, अभी सब समझदार बन गई है, तो बड़ा हो गई है समझदार बन गई है। नहीं तो पहले सारे खिलौने उठा लेती थी, सब लेना है। चलिए आप थोड़ा उस तरफ जाते हैं। रिया उस तरफ जाना है तो उधर चलो, उधर चलते हैं। यहाँ पूजा हो रहा है, रात भर पूजा होगा। माता का दर्शन कर लो रिया, प्रणाम करो, जय माता, जय माता। क्या देख ले? रैबिट? खरगोश लेना है? ये लेना है क्या? ओरिजिनल रैबिट लेना है। अरे बाप रे, रिया को ओरिजिनल रैबिट चाहिए? चलिए ठीक है, अच्छा बात है, बाद में लेंगे, ठीक है ना? और जो रैबिट चलिए तो हम लोग आगे, रोल है, चाउमीन है, वेजिटेबल है, क्या खाना है? चाट, चाट खाना है? कहाँ है चाट? तो मिला नहीं, कहाँ था? अच्छा पीछे है, ठीक है चलो फिर थोड़ा, हाँ उधर से चलते हैं। चलो हैंड फैन गर्मी के लिए चाहिए रिया, हैंड फैन गर्मी के लिए, तो चलो आगे। और आगे जाना है? जाना है हिरन लेना है? क्या देख रही हो? ओ बेबी को देख रही हो? ओ छोटे बच्चे बहुत पसंद है रिया को, खुद छोटी है और बच्चे भी पसंद करते हैं, बोले बाबू है वहाँ। सनग्लास ट्राई करो रिया। मैं करूँ? ठीक लग रहा है? कहाँ सही लग रहा है? ले ले
लेना है कुछ? कैसा लग रहा है पेन? सही लग रहा है क्या? और दूसरा ट्राई करते हैं ना। ये सब येलो लग रहा है, देखे ये कैसा लग रहा है? सब येलो दिखाई दे, सब येलो। ये ठीक है फ्रेंड्स? ये भाई राजू मिल गया भाई। कहाँ था, इतना लेट से आया, तेरे लिए इंतजार कर रहे थे हम। रेडी वेडी होके आ गया का? अभी सो के उठ के अब घूमेगा ना, अब 12 बजे घूमेगा। ठीक है, अच्छा बात है। तो ये फ्लावर्स देखो भैया, प्लास्टिक का फ्लावर्स। वाह क्या ली, कौन सा? क्या बदमाशी हो रहा है भैया? छू के इधर मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई भैया? इतना बदमाश है। चलो अब तुमको खिलाते हैं घुगनी चाट। तब से भैया बोले घुगनी चाट खाएंगे। चलिए अब चलते हैं, बहुत लेट भी हो गया। भैया को घुगनी चाट खिलाते हैं और चलते हैं घर। ये आगे आगे जा रही है भैया घुगनी चाट खाने के लिए। घुगनी चाट नहीं मिल रहा है, बोले गुस्सा कर रही है। मैं भी इधर उधर जा रहा हूँ तो रिया गुस्सा है। चलिए पहले घुगनी चाट खाते, उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे भैया बोल रही। चलो रिया, जितना जल्दी ढूंढ पाओगे घुगनी चाट उतना जल्दी खाओगी। मिला भैया? मिल कहाँ है? वो बाइक जहाँ रखे हुआ है। तो चलो जल्दी, अब थोड़ा हल्का सा खाली हो गया और 11:30 से ऊपर हो गया टाइम, अब घर भी चलना चाहिए, लेट हो गया बहुत। यहाँ पर कुल्फी है, कुल्फी खाने का तो मन कर रहा है लेकिन मैं खाने से रिया को भी मन करेगा। रिया को अभी थोड़ा बुखार था दोपहर को, जब ऐसा ही नहीं था तो कुल्फी नहीं खाने से ही रहेगा, क्योंकि मैं खाऊँगा रिया नहीं खाएगी, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं घुगनी चाट की तरफ, रिया घुगनी चाट खाएगी। मिला फाइनली, रिया को मिला घुगनी चाट। तो घुगनी खाना है तो जल्दी जल्दी रिया घुगनी खा लो। उधर जलेबी भी बन रहा है, रिया ले जाना है घर के लिए जलेबी। हाँ ठीक है, घर के लिए जलेबी ले लेंगे। फिलहाल अभी घुगनी खा लो, ठीक है ना? चलो घुगनी मिल गया, आपको मिलेगा कि नहीं खाना? आपको खाने मिलेगा? तो चलिए घुगनी खा लेते। 10 টাকা প্লেট, দাও দুটো, দাও দুটো। খাও, আচ্ছা লাগ রা সহি হে, মেরা ভি আ গয়া। আরাম সে খা লো, আরাম সে খা লো, গরম হে না? কাফি গরম থা, মেরা হাত মে ভি গির গয়া থা, হাত জল গয়া। আরাম সে খাও, ঠিক হে, কোই বাত নাই হে, থোড়া আরাম সে খাও, হড়বড়ি নাই হে। কাফি গরম থা, হাত মে গির গয়া, হাত জল গয়া মেরা। আজ হাম লোগ জো হোলি মে মিলে থে, তো কালী পূজা মে आप घर जा रहे हैं क्या? ठीक है, सेफली, ओके, टाटा। अच्छा टाटा बाय फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, अब चलते हैं घर। काफ़ी लेट हो गया, 12 बजने जा रहा है। अब नानी गुस्सा करेगी, अब मम्मी गुस्सा करेगी, रिया का नानी है मेरी मम्मी, काफ़ी गुस्सा हो जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी ना करते, जल्दी घर चलो, 12 बजने जा रहे हैं। और रिया थक गई हो? रिया थक भी गई है पैदल पैदल, अब काफ़ी भीड़ भी था। तो फिलहाल अभी घर चले, और कल सुबह स्कूल है? ओ, कल तो संडे है, तो ठीक है चलो, अब आराम से आराम करना, सुबह थोड़ा लेट से उठना। तो फ्रेंड्स हम लोग अब ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और चलते हैं घर की तरफ, इससे मिलेगा नए ब्लॉग के। तब तक के लिए आप लोग लाइक चैनल सब्सक्राइब करना, और जो लोग चैनल में नए हो लोग जरूर सब्सक्राइब करना, और इंस्टा में ज़रूर फॉलो करना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।